आज मुझे सुबह सुबह बनारस निकलना पड़ा इमरजेंसी में। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सारा दुनिया ही हिल गया। मेरी आंटी लोग और उनकी फैमिली गई थी घूमने के लिए राधा कृष्णा मंदिर। वहाँ सब लोगों का एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में जो आंटी के पापा थे, मेरे नाना लगते हैं, उनको हम लोगों ने खो दिया, उनका डेथ हो गया। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हम घूमने या दर्शन के लिए जा रहे हैं और लौट के नहीं आएंगे वापस। तो थोड़ी देर बाद मैं बनारस पहुंच चुकी थी, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था। कुछ बच्चों के ऊपर किसी ऑटो ने चढ़ा दिया था। जब घर पहुंची तो कुछ ऐसा हालत दिखा, देखने लायक भी नहीं था, मैं देख भी नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। इसके बाद उनकी बॉडी आई पोस्टमार्टम से। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, ये वही फील कर सकता है जिसने अपने पापा को खोया हो। पूरी दुनिया उजड़ जाती है यार, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप लोग देख लो। जब बॉडी चली गई तो मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि मैं 13 दिन तक नहीं रुक सकती थी, बिकॉज़ मेरा मुंबई का टिकट था और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। बट फिर भी मुझे बारिश में जाना पड़ा घर मिर्जापुर के लिए। और सबका एक्सीडेंट हुआ, सबको थोड़ा बहुत चोट वगैरह सबको ही लगा है, लेकिन नाना को हमने खो दिया। नाना की आत्मा को शांति दे भगवान।